तो वेलकम बैक टू माय चैनल अभी 008। दोस्तों बात करेंगे आज हम मारुति सुजुकी की ओर के आने वाली बलिनो के बारे में। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये इसका डेल्टा वेरिएंट है और इसके सिग्मा वेरिएंट की वीडियो ऑलरेडी वीडियो पे पड़ी हुई है, आई लिंक में बटन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सिग्मा से डेल्टा पे अपडेट करने में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, बेसिकली आज हम उसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मारुति की कोई भी गाड़ी चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे राधा गोविंद नेक्सा में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा। तो भाई अब बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा ये आपको एक्स शोरूम कितने की पड़ जाती है और यहाँ पे मेरठ में इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ जाता है। वहीं साथ के साथ हम जानेंगे इस वेरियंट में आपको सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं और सिग्मा से आप डेल्टा पे अपडेट करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। बात करेंगे इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसकी ग्रिल मिलती है जिसमें आपको बीच में सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आप देखेंगे तो आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं, ये आपको बेस वाले मॉडल में नहीं मिलेगा, ये आपको इसमें उसके ऊपर मिल जाएगा। नीचे आप रेडिएटर ग्रिल देखेंगे वही सेम, और आपको बॉडी कलर यहाँ पे आपको बम्पर मिल जाता है। हेडलाइट्स इसकी कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं जिसमें आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है और आपको प्रोजेक्टर हाई और लो दोनों के लिए मिल जाता है। वहीं आप नीचे देखोगे तो इस लाइट्स में जो ये फेक लुक वाली DRL दे रखी है, बेसिकली ये DRL नहीं है बट ये कहीं ना कहीं लुक ऐसा ही देती है DRL जैसा सा। फोग लैंप इसमें आते नहीं है, फोग लैंप आप एडिशनली डलवा सकते हैं शोरूम से चाहे शोरूम से, बाहर से चाहे बाहर से। इसमें फ्रंट में देखोगे तो आपको ओवरऑल यहाँ पे फ्रंट में कोई चेंज नहीं दिखेगा, वाइपर्स वगैरह इसमें वही सेम प्रोवाइड करे गए हैं जो सभी गाड़ी में है। इंजन की बात करेंगे, इंजन इसमें आपको सेम मिलता है 1.2 लीटर का जो प्रोड्यूस करता है 89 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क। अब इसकी हम साइड प्रोफाइल चेकआउट करेंगे तो आप साइड से एक बार चेक करो तो भाई ये गाड़ी आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है। बेसिकली ये आपकी सब 4 मीटर की हैचबैक है। टायर साइज में देखोगे आप तो इसमें आपको 185 का टायर मिल जाता है व्हील कैप के साथ। फ्रंट में इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी फेंडर में यहाँ पे इंडिकेटर का प्लेसमेंट नहीं है जो बेस मॉडल में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये इसके ऊपर वाला वेरिएंट है बेस के ऊपर डेल्टा, तो इसमें आपको यहाँ पे ORVM पे आपको प्लेसमेंट मिला गया है इंडिकेटर्स का। बॉडी कलर आपको इसमें आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और A, B और C कलर जो है इसका मैट ब्लैक में मिलता है। पीछे से आपका ये है वही सेम टायर जिसमें आपको मैंने आपको बताया ड्रम ब्रेक है। आप इसका रियर से एक बार लुक चेकआउट करोगे तो ये गाड़ी फेसलिफ्ट आने के बाद रियर से बहुत अच्छी कर दी गई है। रियर से देखोगे तो अपनी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस देती है ये। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वही सुजुकी की बैजिंग मिल जा रही है, बलिनो की बैजिंग मिल जा रही है। वेरियंट की इस पर बैजिंग आपको कोई नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको नेक्सा दिखा जाएगा क्योंकि ये स्पेशली आपको नेक्सा पर ही मिलेगा। पीछे आपको डिफोगर दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर का प्लेसमेंट नहीं है, इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको वाइपर भी मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है और नीचे यहाँ पे वॉशर दिया गया है। रूफ एंटीना आपको कुछ इस तरीके से सिंपल दिया जाता है। आइए चलते हैं पहले इसकी बूट की बात कर लेते हैं। तो बूट खोलते ही आपको सबसे पहले आप देखोगे इसमें आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए। ये आपका कुछ बूट स्पेस है 318 लीटर का बूट स्पेस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्रोसरी हुक दिया हुआ है और यहाँ पे कोई लाइट नहीं दी गई है। और वहीं आप इधर देखोगे तो इस जगह आपको कुछ नहीं दे रखा। टायर साइज़ की बात करेंगे इसमें तो आपको इसमें सेम टायर साइज़ मिल जाता है 185/65 R15। आइए चलते हैं इसमें और देखते हैं और क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक की कवरिंग दी गई है और ये आपको हैंडल दिया गया है। इसको बंद करेंगे, रियर से आप देखोगे तो रियर में इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स और नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। इन लाइट्स की बात कर लेते हैं टेल लैंप्स की, तो ये टेल लैंप्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और इसमें अगर देखोगे ऊपर आप कि LED है। साइड से देखो आप, इसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करेंगे तो आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ये सिर्फ आपको पेट्रोल ऑप्शन में मिलती है, इसमें आपको कोई डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे कि आप जानते हैं जब BS6 इंट्रोड्यूस हुआ था तो मारुति ने डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया था अपना।
यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेल्टा की बैजिंग, ये डेल्टा वेरिएंट है। तो भाई रियर से बात करेंगे, रियर में इसका जो डोर है वो बेसिकली वही आपको सिंपल डोर मिलेगा, पर हाँ इसमें और इससे नीचे वाले मॉडल में ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, आपको सिंपल प्लेन ब्लैक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ये पावर विंडो का बटन मिल जाता है। इसमें मैंने इसमें ऑल फोर पावर विंडो का ऑप्शन आता है और फैब्रिक आपकी अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। यहाँ देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है। बाकी आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, बोतल होल्डर आपको इसमें चारों विंडो में मिल जाएगा। बाकी ये स्पीकर की प्लेसमेंट है। अब आप एक बार यहाँ से चेकआउट करो तो भाई ये है इसका ओवरऑल पीछे का लुक। पीछे से देखोगे आप इसमें तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं और ये जो आपकी है बेंच फोल्डिंग के साथ आती है, इसमें आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आता। कंफर्ट की वही सेम कंफर्ट है, इसके अंदर कंफर्ट में कोई चेंज नहीं है पीछे। बाकी यहाँ पे आप बात करोगे तो अपर में जाओगे तो उसमें आपको पीछे रियर एसी वेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, बट यहाँ पे नहीं है। नीचे आप देखोगे तो 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जिसे आप यहाँ पे अपना चार्ज कर सकते हो। रूफ पे आपको बीच में यहाँ लैंप दिए गए हैं, साइड में आपको हैंडल्स दिए गए हैं, दोनों साइड्स आप देख सकते हो। कुल मिला के ये बोलेंगे कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है और जब ये फेसलिफ्ट मॉडल आया है उसके बाद इस गाड़ी में काफ़ी हद तक सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ाए गए हैं कंफर्ट में। और इंजन की बात करें तो इंजन की पावर बढ़ाई गई है। तो भाइयों फ्रंट में चलने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। इसमें कुछ आपको इस तरीके से की मिलती है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है इसमें आपको। बाकी इस की में आपको लॉक अनलॉक का बटन और पीछे आपको सुजुकी की बैजिंग की वही है जो मारुति की चली आ रही है। इसके ऊपर में जाओगे तो आपको कीलेस एंट्री वाली की मिल जाएगी। फ्रंट डोर में देखोगे तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया डेल्टा में। आइए अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। फ्रंट डोर ट्रिम इसकी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये बेसिकली डुअल टोन है, ब्लैक और ब्लू। ऊपर का पोर्शन इसका हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे नीचे फैब्रिक दिया गया है, यहाँ फैब्रिक है और ये आपका सॉफ्ट टच है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, ड्राइवर विंडो इसमें आपको वन टच अप एंड डाउन मिल जाती है, ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं, फोल्ड एंड फोल्ड आप इसमें कर सकते हो। डोर हैंडल आपको प्लेन मिलेगा ब्लैक कलर का। बाकी ये आपका यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट। अंदर चलने से पहले एक बार इसकी सीट्स और देख लेते हैं। तो भाई इसमें आपको ये सीट्स मिल जाती हैं, सीट्स लगभग सब में सेम ही आती हैं। चेंज के अगर चेंज की बात करी जाए तो हाइट एडजस्टेबल आ जाए और एक आध फीचर यही जुड़ जाता है। अब इसमें देखोगे डेल्टा में आपको हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी फीचर नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी कंफर्ट वही है और पुरानी गाड़ी के मुकाबले आप कंपेयर करोगे तो इसमें ये देखो कुशनिंग देख रहे हो वो थोड़ी सी ज़्यादा इंप्रूव करी गई है। वैसे मारुति की जो सीट्स हैं ना वो अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। अच्छी क्यों मानी जाती हैं? इसमें यार आप कितने भी लंबे चले जाओ घूमने घामने इसमें आपको थकान महसूस नहीं होगी। बाकी चलो ये वाला पोर्शन देखोगे आप, ये देखो डैशबोर्ड भी आपको डुअल टोन में मिल रहा है। डुअल टोन में यहाँ पे आपको ब्लू का कलर मिल रहा है, ऐसे ही पूरा आपको अंदर तक मिलेगा। अब इसमें ना ये देखो ये चीज़ थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है देखने में। इसमें जो इसके एसी वेंट्स हैं उस पर आपको कार्बन फाइबर का काम देखने को मिलेगा और ऊपर सैटन फिनिश मिल जाएगी जो देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और ये आपके हाइट लेवलिंग के स्विचेस मिल जाते हैं। नीचे आप देखोगे तो यहीं पे आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का और बूट ओपन करने का भी मिल जाता है। कि मैनुअल वेरिएंट है 5 स्पीड के साथ, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो भाई गाड़ी के अंदर से सबसे पहले आप इसका पूरा डैशबोर्ड देख लो, डैशबोर्ड देखने में अच्छा लग रहा है। पुराने वाली बलिनों के मुकाबले इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। इसका डैशबोर्ड काफ़ी थोड़ा 3D डिज़ाइन वाला है, ये आप पूरा देखोगे तो काफ़ी 3D सा लग रहा है। मतलब इसमें ये देखो फिनिशेस कितनी सारी दे रखी हैं। वहीं पे इन्होंने इसमें फ्लोटिंग स्टीरियो सिस्टम का प्रोविज़न डाला है। टॉप मॉडल में जाओगे तो उसमें आपको 9 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें आपको 7 इंच की ही डिस्प्ले मिलती है। चलो इसे दिखाने से पहले मैं आपको इसमें की लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये ओवरऑल कैसा लगता है। ये देखो भाई सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो आप। ये इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको यहाँ पे RPM मीटर मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में आपको MID मिल जाती है। इसमें वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं और MID को कंट्रोल करने के लिए ये आपके यहाँ पे मैनुअल बटन्स दिए गए हैं जिसमें आप चीज़ चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें रेंज देख सकते हो,
डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। स्टीरियो सिस्टम इसमें पुराना वाला ही दिया गया है जो पहले आता था। ये अपनी छोटी मारुति की गाड़ी में भी यही देते हैं और बड़ी गाड़ी में भी यही देते हैं, पर एक चीज़ अच्छी कर दी है इन्होंने, इसके ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, डेल्टा में इन्होंने टच स्क्रीन दे दी, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहले डेल्टा में सिंपल टू डेन वाला स्टीरियो सिस्टम आता था जिसमें कुछ नहीं होता था, अपना ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करना होता। आज क्या है, आजकल जैसे लोग इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं तो मॉडर्न के हिसाब से मॉडर्न चीजें भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक स्टीरियो सिस्टम टच स्क्रीन वाला आजकल की नीड बन गई है। क्यों बन गई है? इसमें आप वायर्ड अपर कार पे और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसमें इनकी ऐप के थ्रू आप सुजुकी कनेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी वही ये आपका डेट वगैरह का ऑप्शन हो गया। बाकी इसमें एक ऑप्शन ये दिया गया है, ये आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह यहाँ पे सब दिखी हो जाती है जो मीटर से कनेक्टेड होती है। के बीच में सेंट्रल कंसोल में ये आपका जो एसी है जो आपका दिख रहा है, ये पूरी एक ही यूनिट है। ये आप चेक करोगे ना तो बेसिकली ये आपकी पूरी एक ही यूनिट है और ये देखने में बड़े बढ़िया लग रही है। बीच में आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी आपको बलेनो में बेस वेरियंट से मिल जाता है, और ये आपको सैटन फिनिश मिलती है। ये पूरी आपकी यहाँ से शुरू होकर एंड तक जाती है, देखने में अच्छी लगती है काफ़ी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डुअल टोन में मिलता है, तो ये आपको ब्लू और ब्लैक का वर्क इसमें आपको पूरे देखने मिलेगा, और ये ब्लू का आपका अक्रॉस पूरा ये आपके यहाँ तक गेट्स तक जाता है, पूरा ऐसे कनेक्ट करता है। ब्लू ब्लैक की थीम है इसकी, काफ़ी अच्छी है। ग्लव बॉक्स देख लो इसका, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, और ग्लव बॉक्स के अंदर कोई इल्यूमिनेशन नहीं दी गई है इसमें। और सबसे बड़ी बात आऊँगा इसमें आपको चार स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। साउंड इसका डिसेंट है, अच्छा ही कहेंगे मतलब, और ट्विटर के इसमें नहीं मिलते हैं, इसके ऊपर में जाओगे तो आपको ट्विटर्स का प्लेसमेंट भी मिल जाता है। सिंपल इसमें आपको मैनुअल IRVM मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ से कर सकते हैं एडजस्ट। ये आपके वाइजर्स हैं, यहाँ पे कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता। इस साइड आप देखोगे तो इस साइड में आपको मिरर मिल जाता है वाइजर पे। पैसेंजर साइड आपको डोर हैंडल भी मिलता है, और आपको ड्राइवर साइड नहीं मिलता, ड्राइवर साइड ऐसा कोई जरूरत भी नहीं होती है। तो भाई ओवरऑल इंटीरियर का ये था। अब इस हाँ तो अब एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, और आपको वायर्ड कनेक्शन के लिए ये आपको USB A पोर्ट भी मिल रहा है। इसमें आप यार फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है। आपको यहाँ पे ये आप चेक करोगे तो दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और इसका ये आपका ग्लोसी में गियर बॉक्स मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 स्पीड में आता है ये। ये आपका हैंड ब्रेक है, बीच में इसमें आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, अपर में जाओगे तो आप आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे इसमें सेफ्टी की, तो सेफ्टी में इसमें आपको 2 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, इसके ऊपर जाओगे तो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके 2 फ्रंट में होंगे, 1 कर्टेन एयरबैग्स होंगे और साइड में होंगे, लेकिन इसके ऊपर वाले मॉडल की बात है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स में आपको ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट और बाकी जो फीचर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अगर इसकी बात करोगे आप ऑन रोड की, तो ऑन रोड ये अराउंड यहाँ पे मेरठ में लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास की पड़ रही है। इस गाड़ी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरठ से ही हैं। बाकी ओवरऑल इसके लुक्स की बात करेंगे तो लुक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें पहले से सेफ्टी को भी इम्प्रूव किया गया है। मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में इतने फीचर्स आ रहे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अगर किसी को हैचबैक पसंद है, अपने आप में जो मारुति की गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़्यादा मार्केट में बिकती हैं क्योंकि इनकी आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी होती है, आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी होती है। खैर उस बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज का मेरा यही है, इसको कंक्लूड करता हूँ। तो इस गाड़ी में ओवरऑल ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको, और ये गाड़ी देखने में अपनी काफ़ी अच्छी लगती है, इसकी एक अपनी अलग रोड प्रेजेंस है। इस गाड़ी को अगर आप कंसिडर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आपको सिग्मा देखनी है, इसका सिग्मा वेरिएंट देखना, तो आप मैं आपको आई बटन लगा दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।